ही क्यों, आज होली के दिवस पर कान्हा को चरण से लेके मस्तक का रंग में रंग देना चाहिए। कान्हा, बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में। तुम्हें पता भी है गोपियां तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम यहाँ हो। अब चलो, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जोरा जोरी शर्माए राधा गोरी, श्याम गोकुल का छोरा राधा ब्रिज की किशोरी। कान्हा करे जोरा जोरी शर्माए राधा गोरी, श्याम गोकुल का छोरा राधा ब्रिज की किशोरी। राधा गली गली भागे, कान्हा पीछे कभी आगे, ये तो प्रेम रंग लागे। सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। उड़े होली के रंग, अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग, गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग, गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। नंद बाबा के द्वार रंगों की बौछार, गोपी ग्वालों का प्यार। सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। उड़े होली के रंग। अरे मूर्ख, अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? अरे सुनो, तुम रामदास के साथ आए थे ना? को भी समाप्त कर सकता है। उसको कुछ वो तीव्र है, वो पत्थरों को भस्म कर सकता है। पता नहीं क्या क्या, तो वहां से अभी तक सूचना क्यों नहीं आई? क्या उसका प्रयास विफल हो गया? क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु हो सकता है कि रंगराज को कोई उचित अवसर ना मिल पाया हो। अन्यथा आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कितने घातक हैं उसके रंग, कितना सामर्थ्य है उसमें। परंतु कृष्णा को समाप्त करने के बाद उसका सामर्थ्य हमें दिखाई देगा। इसी कारण सुरक्षा के इतने प्रबंध किए गए थे कि ग्रामवासियों को कोई हानि ना पहुंचा सके, पर ना जाने कैसे ये गुप्तचर। यही तो चिंता का विषय है दाऊ, इतनी कड़ी सुरक्षा के घेरे को तोड़ के अंदर आने वाला व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं उसे देखा था, वो कंस मामा का ही गुप्तचर था। पर सुरक्षा को तोड़ने में वो सफल कैसे हुआ काना? ब्रिजबान काका स्वयं मध्य द्वार पर खड़े थे, और जब वो मूर्छित हुए तब सुबल ने उनकी जगह ले ली थी। ताऊ, मुझे लगता है उस गुप्तचर की सूचना ये लोग दे सकते हैं। बाहर से जितने भी व्यापारी और भोते खाए वो इन्हीं में से होने चाहिए। We'll be right back.
क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूँ? आप इस गांव के तो नहीं लगते, किंतु होली के दिन तो सबको रंग लगा जाता है। क्यों नहीं, पर क्या मैं उससे पहले तुम्हें रंग लगा सकता हूँ? ठीक है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी राजसी स्वर्ण मुद्रा धारण किए हुए व्यक्ति को देखा है? हाँ, जहां तक मुझे स्मरण है वो भानु की बैलगाड़ी में था। दोनों के बीच में शुल्क को लेकर वाद विवाद हो रहा था, तभी वो व्यक्ति अचानक अपनी स्वर्ण मुद्राएं दिखाकर ये कह रहा था कि तू मुझसे शुल्क लेगा, ये देख महाराज कंस की मुद्रा। क्या वो ऊंचा लंबा काले घने बालों वाला व्यक्ति था? नहीं, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और गाल पे एक मसा था। लंबी लंबी मूछें हैं उसकी और मसा भी है गाल पर। दाऊ प्रतीत होता है एक नहीं कहीं गुप्चर भेजे कंच मामा ने। दाऊ क्या कहते हैं, लोगों को होली का उत्सव मनाने से रोका जाए क्या? सुरक्षा की दृष्टि से यह क्या ये उचित होगा? नहीं कान, वृंदावन वासी होली के त्योहार के लिए पूरे बरस प्रतीक्षा करते हैं और इस बार त्योहार और भी बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है। उनके उत्साह उनके हर्षोल्लास में हम बाधा नहीं बन सकते। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बैलगाड़ी वाले को यूं ही धमकी देकर गया हो। कान्हा, क्या तुम मुझे रंग लगा सकते हो? ये रंग तुम्हें किसने दिया बताओ, शीघ्र ही मुझे उसके पास ले चलो। मेरे आदेश का पालन, मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। काना सही कहता था, होली का उत्सव मुझे रोकना ही होगा, कुछ अति भयंकर होने की संभावना लगती है। क्या तुम मुझे अपने स्वामी के पास ले जा पाओगे? स्वामी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, राह में वो अपने निशान छोड़ गए। अरे राधा, शीघ्र ही घर चलो, घर चलो राधा। जाना, पहले कान्हा को आने दो। आपके पिता श्री का आदेश है कि सुरक्षा के लिए सभी को घर पर जाना है, शीघ्र ही चलिए घर। नहीं, कौन हो तुम? तुम्हें कंच मामा ने यहाँ क्यों भेजा है? मौन क्यों खड़े हो? बोलो, किस कार्य की पूर्ति के लिए आए हो यहाँ पे?
रंग से निर्मित मानव। हे प्रभु, उठो उठो, क्या हो गया तुमको? उठो, बचाओ कान्हा, बचाओ। ये तो राधा की आवाज है। कान्हा बचाओ, राधा पुत्री, राधा, राधा पुत्री, राधा विश्वास, राधा बाबा बचाओ, राधा। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपनी पुत्री को लेने के लिए भेजा था, पर ये सब क्या है? मुझे तुमने नहीं, महाराज कंस ने भेजा है। क्या? इस विषैले रंग से कृष्णा की लीला का अंत करने? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता दोस्त। कहाँ है कृष्णा? सामने आओ या डाल दूँ ये रंग तुम्हारी राधा पे। नहीं, 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 कुछ मत करना मेरी पुत्री को। ऐसा कौन सा रंग है जो तुम सुबह से प्रयत्न कर रहे हो मुझे लगा? कूट कहते हैं इसे, मैंने निर्मित किया है इसे अपनी विद्या से। जीवन इसके स्पर्श में आते ही मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है, क्षण भर में किसी को भी भस्म कर देता है। अब देखना यह है कि तुम्हारी लीला कितनी देर में समाप्त करता है यह लीला। नहीं, विचार कर लो, चुनाव तुम्हारा है, तुम नहीं तो राधा पे इसका प्रभाव दिखाता हूं। कुछ मत करना मेरी पुत्री को। राधा को बंधन से मुक्त कर दो। बल में भस्म हो जाएगी राधा, बचा सकते हो तो बचा लो। पकड़ो उसे, भाग ना पाए। कोई मेरी पुत्री को बचाओ, वो रात में परिवर्तित हो रही है, रक्षा करो उसकी। मिस्टर विश्वास, मिस्टर ये क्या? लगता है राधा का अंतिम संस्कार किए बिना तुम मुझे नहीं जाने दोगे कृष्णा। राधा को बचाने का एक उपाय है, राधा के स्थान पर
कोई और उसकी मृत्यु का वरण कर ले तो कैसे कैसे संभव है ये? उसे स्पर्श करके ये विषय एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्पर्श के माध्यम से गमन होता है। जैसे ही इसे किसी और ने छुआ ये उस देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है। मरना तो किसी ना किसी को होगा ही। अब चुनाव तुम्हारा है राधा, राधा या तुम, या तुम, या तुम। राधा रुकिए, मैं मंत्रों का पाठ तब तक नहीं करूंगा जब तक कृष्ण राधा को स्पर्श नहीं करता। राधा के प्राणों की रक्षा नहीं करोगे कृष्ण, उसे यूं ही राख के ढेर में बदल जाने दोगे? ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? काना, काना बोस, काना बोस, काना। समय अधिक नहीं है, शीघ्रता से उसे स्पर्श करो, इससे पूर्व के वो राख हो जाए। काना, जाओ। मैं समझ गया काना, तुम यही चाहते हो ना कि जिस प्रकार तुमने ये चिन्ह बनाया है उसी समान मैं एक मानव श्रृंखला बनाऊं। तुम विवेक रखो काना, मैं प्रयत्न करता हूं। बाबा अभी हमारा हाथ पकड़िए, हमें एक श्रृंखला बनानी है एक दूसरे का हाथ थाम कर। अच्छा, कालकूट विष को इस तरह मुझ तक पहुंचाया जाएगा? अरे मूर्खो, मंत्रों का जाप कौन करेगा? बिना मंत्र उच्चारण के ये विष संचारित नहीं होगा। यदि असुरी शक्तियां विफल हो जाएं तो किसी सिद्ध ऋषि की शक्तियों को उपयोग करना कोई अधर्म नहीं। मुझे लगता है अवश्य रंगराज ने
इस मिष्ठान में कुछ मिला है, अभी तो सारे लड्डू मिट्टी में परिवर्तित हो गए। भूख के आगे मनुष्य सर्वाधिक लाचार और शिथिल पड़ जाता है। यशोदा, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं? ये भूख सहन ही नहीं हो पा रही है।